Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने पूर्व जस्टिस नजीर को राज्यपाल बनाने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, विपक्ष पार्टियों से नियुक्ति की आलोचना करते हुए इसे न्यायपालिका के लिए खतरा भी बताया है। जस्टिस नजीर सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए कई अहम फैसलों वाले बेंच का हिस्सा रहे हैं। इसमें 2019 में अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला भी शामिल है। इस मामले में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था और इस बेंच में रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नजीर शामिल थे। आइए जानते हैं कि अब ये जज क्या कर रहे हैं और कहां पर हैं। पहला नाम है जस्टिस रंजन गोगोई का। जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से सीजेआई के पद से रिटायर हुए थे। 4 महीने के बाद राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के सांसद के तौर पर मनोनीत किया था। वे राज्यसभा पहुंचने वाले तीसरे जज थे, हालांकि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत वो पहले जज थे। उनसे पहले देश के 21वें चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जो कि 1990 से 91 को कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा था, वे 1998 से 2004 तक उच्च सदन में रहे। इससे पहले जस्टिस बहरुल इस्लाम को कांग्रेस ने 1983 में उनके रिटायरमेंट के 5 महीने बाद ही राज्यसभा भेजा था। दूसरा नाम की बात करता हूं तो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े 23 अप्रैल 2021 को सीजेआई पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने गोगोई की जगह ली थी। जस्टिस बोबड़े 8 साल सुप्रीम कोर्ट में जज रहे। हालांकि रिटायरमेंट के बाद जस्टिस बोबड़े ने कोई आधिकारिक सार्वजनिक पद नहीं संभाला और वो महाराष्ट्र के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। अब अगला नाम आता है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के मौजूदा सीजेआई हैं। उन्होंने नवंबर 2022 में भारत के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। वे भारत के सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस वाई वी चंद्रो के बेटे हैं। जस्टिस अशोक भूषण जुलाई 2021 में रिटायर हुए थे। 4 महीने के बाद नवंबर में उन्हें नेशनल कंपनी ला अपलिएट ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी का चेयरपर्सन बनाया गया था। उनका कार्यकाल 4 साल के लिए है। उनसे पहले यह पद 20 महीने तक खाली रहा था। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी के अक्टूबर 2021 में उनकी नियुक्ति को मंजूरी मिल गई थी। और अगला और अंतिम नाम आता है जस्टिस अब्दुल नजीर का, जो कि फिलहाल उनको राज्यपाल बनाया गया है। बात करें जस्टिस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट से जनवरी 2023 में यानी कि पिछले महीने ही रिटायर हुए थे और 1 महीने के बाद ही उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया है। वे अयोध्या मामले फैसला सुनाने वाले 5 जजों में से एकमात्र मुस्लिम थे। इतना ही नहीं, अब्दुल नजीर नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाने वाले जजों की बेंच पर भी शामिल थे। और इसी को लेकर अब जो है कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज होने के नाते अयोध्या मामले पर उन्होंने मंदिर बनने का फैसला सुनाया, तो वहीं जो ये नोटबंदी हुआ था उसको सही ठहराया, वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने इनाम दिया है। और इसी को लेकर बिहार जो पूरा देश है वहां की राजनीति में एक अलग जो है लगातार चर्चा हो रही है। खैर, आपको क्या लगता है इस पर कमेंट बॉक्स